वेलकम टू योर चैनल हैप्पी त्रिवेदी व्लॉग। मैं आपका खोजी दोस्त हैप्पी त्रिवेदी आ गया हूँ बिल्कुल नवा नया वीडियो लेके। आज आपका दोस्त ऐसी जगह जा रहा है जिस जगह की खोज सबको रहती है और जहाँ जाके सारी खोजें समाप्त हो जाती हैं। तो हम आज जा रहे हैं महाकालेश्वर उज्जैन महाकाल के दर्शन करने, और वहाँ बन गया है महाकाल लोक जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही दर्शनीय है। काफी लोग वहां पर गए, उन्होंने मेरे से बोला कि सच में अपना इंडिया विकास कर रहा है, अपने इंडिया में ऐसी ऐसी जगह बन रही हैं जहां जाके लगता है कि आंखें बंद ही ना करें। इतनी इतनी बड़ी बातें जब लोग कर देते हैं तो बस लगता है कि अपने व्यूअर्स को अपनी कैमरा की निगाहों से वहां के दर्शन कराते हैं। तो चलते हैं महाकाल लोक के दर्शन करने। हम आ चुके हैं महाकालेश्वर मंदिर की पार्किंग में। देख सकते हैं कितनी बेहतरीन पार्किंग बनाई हुई है और इसके चार्जेस भी बहुत किफायती हैं। 20 रुपए केवल कार पार्किंग का चार्ज है, जो कि मेरे हिसाब से किफायती रेट ही है। चलते हैं अब मंदिर की तरफ। ये महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल लोक जाने के लिए फर्स्ट एंट्री गेट है। ये दीवारों पे क्या कलाकारी की गई है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। आगे चल के मैं और आपको डीप में दिखाऊंगा कि एक आम सी दीवार देखने में कितनी सुंदर दिख सकती है। ये देखिए, इसे ही कहते हैं कलाकारी। ये वैसे तो केवल दीवार दिखती है, लेकिन देखिए क्या बेहतरीन, ऐसा लग रहा है 3D कलाकारी हुई है। सलाम है भाई, सलाम। हम आ पहुंचे हैं महाकाल लोक के एंट्री गेट पर और शुरुआत गणेश जी से हुई है, और शुभ काम की वैसे भी शुरुआत गणेश जी से होती है, तो श्री गणेशाय नमः। और अब मैं प्रेजेंट करता हूं महाकाल लोक का महल रूपी गेट। जैसा कि मैंने कहा था कि महल रूपी, तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि महल रूपी है, और शुरुआत ही इतनी गजब की हुई है लाइटों के बीच, और ये जो पत्थरों से नक्काशी की गई है पिलर पे आप देख सकते हैं, तो क्या गजब की नक्काशी दिख रही है पिलरों पे। तो शुरुआत ही इतनी गजब की हुई है, तो अंदर क्या होगा इससे ही पता लगाया जा सकता है। समझ लीजिए कि एक्साइटमेंट लेवल मेरा कितना इस समय हाई है, मैं सोच भी नहीं सकता। और ये देखिए क्या बेहतरीन त्रिशूल बना हुआ है, और क्या बेहतरीन कारीगरी है। लाइटों का जो मेला है और जो नक्काशी की गई है वो नेक्स्ट लेवल है। सच में लोग सच कहते थे कि आंखें बंद करने का मन नहीं करता, तो वैसे ही है, मैं पलक झपकाने को तैयार नहीं हूं। और मैं समझ में नहीं आ रहा मैं किधर कैमरा करूं, मैं इधर कैमरा करता हूं तो उधर का छूट जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे दिखाऊं सब कुछ। तो जितना मैं आपको दिखा पा रहा हूं वही कोशिश है, क्योंकि यहां पर आपको एक बार आना तो बनता ही है, क्योंकि कैमरा सब कुछ नहीं दिखा सकता है। या तो मैं 10-5 कैमरे एक साथ लेके चलूं जो मेरे चारों ओर घूम के देखें, तभी मैं यहां का सब कुछ कवर कर सकता हूं। और साथ में एक ड्रोन कैमरे की भी परमिशन लेकर चलूं, तभी मैं आपको ऊपर से नीचे सब जगह का कवर करके दिखा सकता हूं। तो अभी मैं नॉर्मली क्या करता हूं, एक मैं पूरा चक्कर लगाता हूं और आपको दिखाता हूं। और तब तक आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो और मेरी जानकारी अगर आपको पसंद आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मंदिर का घंटा समझ के बेल आइकन को टन से बजा दो और वीडियो को लाइक कर दो।
इतने बड़े विशाल एरिया में बना हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ की ये चीज अच्छी लगी कि इनका पॉइंट पहले से ही क्लियर था कि हमें साफ सफाई रखनी है, तो इन्होंने जगह जगह पर डस्टबिन रखी हुई है। बाथरूम के लिए बहुत बड़ा सा ये देखिए बाथरूम बना हुआ है अंदर ही, जिससे क्या कहते हैं हम साफ सफाई की ओर बढ़ सकते हैं। तो साफ सफाई का सबसे बड़ा फंडा यही है कि जगह जगह पर डस्टबिन हो तो लोग नहीं फेंकेंगे, जागरूक रहेंगे, और बाथरूम होगा तो लोग बाथरूम का यूज करेंगे। भक्तों को ठहरने के लिए बना हुआ ये भक्त निवास जो काफी चीप रेट पे है और यहाँ पर खाना भी मिलता है, तो आपको अगर ठहरने की कोई प्रॉब्लम है और आपको खाने पीने की प्रॉब्लम है तो आप यहीं पर विजिट कर सकते हैं, यहीं पर रह सकते हैं। चंद्रमा को श्राप से बचाने के लिए जब बाबा ने अपने सर पे धारण किया था चंद्रमा, उसके लिए मूर्ति है, तो चंद्रमा होना भी तो चाहिए, तो मैं लेके आता हूँ चंद्रमा। देख लीजिए चंद्रमा ऊपर दिख भी रहा है और बाबा के सर पे चंद्रमा धारण भी हो रहा है, तो इसके लिए तो वीडियो लाइक बनता है यार, कर दो लाइक। विदेशी देश का नहीं है ये नजारा, है अपने इंडिया के महाकाल लोक का। आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन लाइट का मेला है, मैं इसीलिए कहता हूं लाइटों का मेला है पूरा ये। देखिए आसमान कैसा नीला नीला जगमगा रहा है, ऊपर से जमीन के नीचे भी लाइटें लगी हुई हैं, ये भी बहुत ही बेहतरीन लग रही हैं, ऊपर से जीवित प्रतिमाएं लगती हैं। देखिए कितनी बेहतरीन प्रतिमा बनी हुई है, मूर्तियां बनी हुई है, ऐसा लगता है जीवित है, और कितना बेहतरीन कारीगरी हुई है। तो आंखें जैसा कहा जाता है भर आती है तो वैसा ही है। ये देखिए समुद्र मंथन का पूरा बना हुआ है चित्रण, तो बयान नहीं किया जा सकता है कि क्या मतलब बेहतरीन बना हुआ। ऊपर से लाइटें जो मूर्तियों पे लगाई गई हैं उन पर फोकस कर रही हैं लाइटें, तो उससे और वो प्रतिमाएं बिल्कुल बाहर की ओर जीवित होकर निकल रही हैं। और ये महाकालेश्वर मंदिर का मेन गेट है, यहाँ से अंदर जाया जाता है, बैरिकेडिंग लगी हुई है, घूमते हुए अंदर जाया जाता है, और अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम अंदर का आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपको मंदिर के दर्शन करा सकता हूँ बाहर से। ये है महाकालेश्वर मंदिर के मंदिर की चोटी का वीडियो, ये नीली नीली लाइटें और ये सब कुछ है, और मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो उससे बचने के लिए सरकार ने क्या किया हुआ है, आपको कोई भी रुपए नहीं लगाना, ये पूरा सिस्टम बना हुआ है मोबाइल जमा करने के लिए। एक तरफ मोबाइल उस काउंटर में जमा होता है, फिर वहां पर पर्ची मिलती है, आपकी फोटो क्लिक होती है वहीं पर, कोई दूसरा आपका मोबाइल ले नहीं जा सकता है, आपको एक पर्ची मिलेगी जिस पर QR होगा, उस पर आपका नाम होगा, उस पर आपकी फोटो होगी, तो आपका फोन कहीं जाने वाला नहीं है, और इसका एक रुपए भी नहीं लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और ऊपर से नॉमिनी भी लिखाया जाता है कि बाई चांस अगर आप नहीं आएंगे तो कौन नॉमिनी आएगा। Thank you.
और ये हैं सप्त ऋषि। सप्त ऋषि बैठे हुए हैं, और अगर आप यहाँ पर आए हैं और आपको नहीं पता है हमारे सनातन धर्म के बारे में, या आप किसी और धर्म के हैं आपको जानना है, या आप लोग नहीं जानते हैं, तो उसके लिए भी किया हुआ है। यहाँ पर एक QR टाइप का लगा हुआ है हर प्रतिमा के आगे, उसको स्कैन करेंगे तो उस प्रतिमा के बारे में पता चलेगा कि ये कौन से इंसिडेंट के बारे में बताती है और ये कौन है, सब कुछ बताती है। वैसे भी वहां पर भी लिखा हुआ है कि ये कौन है, लेकिन बाई चांस आप नहीं पढ़ पा रहे हैं हिंदी, तो आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके QR में शो करेगा के साथ चलेंगे। और सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि ये काल्पनिक है, उसे लगेगा नहीं इसका कोई तथ्य है, इस वजह से बनी हुई है। बहुत ही बेहतरीन काम किया हुआ है कि कोई बाहर के व्यक्ति आ रहे हैं, विदेश से जो आ रहे हैं, वो फोन उनके पास होगा ही, तो वो फोन से चेक करके पढ़ सकते हैं कि अच्छा ये इस बारे में बता रही है प्रतिमा। जैसे हम लोग तो जानते हैं समुद्र मंथन किस वजह से हुआ था या समुद्र मंथन के बारे में, लेकिन जो बाहर से आएगा व्यक्ति उसको मालूम नहीं होगा ना कि ये क्या हो, ये किस बारे में दर्शा रही है। तो उसके लिए वहीं पर स्क्रीन में एक QR बना हुआ है, मोबाइल से आप स्कैन करेंगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा उसके बारे में। वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया है, और जानकारी पसंद आ रही है तो दोस्तों को भी शेयर करके बताएं कि महाकाल लोक चलना है, वहां की भी ट्रिप बांध लो। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें हैप्पी त्रिवेदी ब्लॉग को। जय श्री राम, टाटा बाय बाय।